नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और बच्चों, हम हिंदी और संस्कृत के साथ आज से आप लोग की इंग्लिश भी शुरू कर रहे हैं। ये क्लास सिक्स की इंग्लिश है रैनबो, और इसमें सेवेंथ और एट्थ और आगे के क्लासेस भी हो सकता है तो लें। बच्चों, यहाँ से मुझे लगा कि आपकी भाषा मजबूत होनी चाहिए, तो हिंदी संस्कृत के साथ साथ हमने इंग्लिश भी ली है। ये आज पहला लेसन है लर्निंग टुगेदर। हम साथ साथ में बहुत ही इजी ढंग से, बहुत ही सिंपल तरीके से इसके जो है शब्दों को पढ़ेंगे भी, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ में पढ़ेंगे, और आप भी साथ साथ में जब आप बैठे हों, पढ़ रहे हों, तो आप भी साथ साथ में दोहराएंगे, ठीक है? मुझे पता है जितनी भी समस्याएं होंगी वो आपकी इस क्लासेस में दूर होंगी। ये है आपका फर्स्ट लेसन, जिसको हम छोटे छोटे इसमें जैसे ही संस्कृत की पढ़ते हैं वैसे ही आप इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए पहला लेसन से शुरू करते हैं, लर्निंग टुगेदर। इसकी जितनी भी लगभग सिंपल ग्रामर होंगे वो हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, लर्निंग टुगेदर, लर्निंग मतलब होता है सीखना, लर्निंग मीन्स सीखना। LEARN, लर्न मीन्स होता है वर्ब है, उसका मतलब होता है सीखना, ठीक है? और इसी में यदि हम जोड़ देते हैं ING, तो ये क्या बन जाता है हमारा नाउन, क्या हो जाता है नाउन। तो वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव की आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है? अब वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, ये हमने इंग्लिश में बोला है तो ये तो आपको पता होगा ना। वर्ब मतलब होता है क्रिया, नाउन मतलब होता है संज्ञा, और एडजेक्टिव, आपकी एडजेक्टिव जो होती है वो क्या होती है? विशेषण। तो ये हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, भाषा है, भाषा को भाषा की तरह पढ़िए और समय दीजिए, सब समझ में आ जाता है। चलिए, लर्निंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर मतलब होता है साथ में सीखना, टुगेदर साथ में होता है ना। गेट टुगेदर, गेट टुगेदर छोटी मोटी पार्टी जो साथ में अपने सहपाठियों के साथ में होती है, ठीक? तो गेट टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर साथ में सीखना। सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। हो सकता है जहाँ भी आपको यदि प्रॉब्लम समझ में आएगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सिक्स्थ ग्रेड, सिक्स्थ मिस होता है सिक्स, छः, ग्रेड मिस होता है श्रेणी, ग्रेड मिस क्या होता है? श्रेणी। इज मतलब है, ए मतलब एक, स्पेशल मतलब विशेष, स्पेशल का मतलब विशेष, प्लेस मतलब स्थान। तो क्या हो गया इसका जो सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या हुआ? सिक्स्थ ग्रेड छठी श्रेणी विशेष, सिक्स्थ ग्रेड छठी श्रेणी का विशेष स्थान है। सी मतलब देखो, द बिग स्माइल ऑन माई फेस, सी मतलब होता है देखना, द बिग स्माइल, बिग स्माइल मतलब बड़ी मुस्कुराहट, बिग स्माइल मतलब बड़ी मुस्कुराहट, ऑन माई फेस, माई मेरे फेस, चेहरे पर, मेरे फेस पर बड़ी मुस्कुराहट देखो। ये देखिए आगे, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। टीम का मतलब होता है बच्चों टीम, हम तो हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी टीम है, वो आपकी टीम है, हाँ। टीम मतलब होता है समूह, संगठन में जो रहते हैं उसे बोलते हैं हम टीम। हमारी क्लास इज अ ग्रेट टीम, ग्रेट मीन्स होता है महान, ग्रेट का मतलब महान। वी मेक आवर टीचर्स बीम, बीम मतलब क्या होता है? बीम का मतलब होता है प्रसन्न करना, ठीक, प्रसन्न करना, खुश रखना। तो वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपनी टीचर्स को
प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न रखते हैं। मेक का मतलब यहाँ पे है रखने से, मेक का मतलब क्या है, रखने से, यहाँ पर रखने से है, ठीक है। और मेक मतलब बनाना होता है, और यहाँ पे मेक का अर्थ किससे है, रखने से। वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम लोग, वी का मतलब होता है हम लोग, वी का मतलब हम लोग, हम लोग। आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम लोग। मेक आवर टीचर्स बीम, हम लोग हमारे टीचर्स को, आवर हमारे टीचर्स को प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं। बीम मतलब होता है खुश रखना, प्रसन्न रखना, ठीक है, खुश रखना, प्रसन्न रखना। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, वी हम लोग, वर्क मतलब काम करते हैं, ये क्या है, वर्क वर्ब है, हम लोग काम करते हैं। हार्ड, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करते हैं, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। ईच प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक। बिजी डे व्यस्त दिन, प्रत्येक व्यस्त दिनों में हम लोग क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। देन तब, आउट टू द यार्ड टू प्ले, यार्ड का मतलब होता है ग्राउंड, यार्ड मीन्स ग्राउंड, मैदान, यार्ड मीन्स मैदान, ग्राउंड। फिर तब हम लोग, तब आउट बाहर, यार्ड मैदान, टू प्ले खेलते हैं, तब हम लोग बाहर खेलते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या है, हाँ ये, हाँ ये हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। फिर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ फन, 9 times 9 is 81, लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बच्चों यदि आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में ना आ रही हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करिए, और बैक करके एक एक वर्ड को सुनिए, और सुन के प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करिए, ठीक है, और वैसे ही बोलिए। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ फन, फन मीन्स मज़ेदार। और मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, बोलते हैं गुणे को, तो मल्टीप्लिकेशन मज़ेदार है, गुणा क्या है, मज़ेदार है। 9 times 9 times, 9 times मतलब होता है बार, एक बार, दो बार, तीन बार बोलते हैं ना, तो बार, 9 times यानी 9 बार, 9 is 9, इज मीन्स है 81, 81, 9 9 बार 9 81 है, कितना मज़ेदार है। लर्न द मैथ फैक्ट्स कह रहे हैं 9 बार 9 9 बार 9 81 है। या तो आप मल्टीप्लिकेशन करो, या तो आप मल्टीप्लिकेशन करो, या तो आप 9 बार क्या करो, 9 9 9 9 9 9 प्लस कर दो, तो भी क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज फन, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मज़ेदार है। 9 times 9 9 बार 9 81 है। लर्न द मैथ्स, लर्न मतलब सीखो, या सीखो, लर्न मतलब सीखो या सीखना। तो हमने बताया था ना, लर्न क्या है, वर्ब है, अब उसमें आईएनजी लगा के हम उसको क्या बना दिए, नाउन बना दिए थे। तो लर्न मीन्स होता है सीखना, तो सीखो, सीख द मैथ्स फैक्ट्स 1 through 10, 1 through 10, 1 through 10, एक से, थ्रू से क्या मतलब हो जाएगा, से, एक से 10, एक से 10 तक। मैथ्स फैक्ट, गणित के फैक्ट्स मतलब तथ्य, फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, तथ्य। एक से 10 तक मैथ के तथ्यों को सीखो,
प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, अगेन बार बार, फिर से, अगेन मतलब फिर से, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ठीक है, सीखो, प्रैक्टिस करो, ये सब क्या है, वर्ब है। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ जहाँ पे अंत में वर्ड के टी आई ओ एन जहाँ लग जाता है ना, टी आई ओ एन, तो आप झट से समझ जाइए कि जहाँ पे टी आई ओ एन की प्रोनाउंसिएशन होती है शन, टी आई ओ एन की क्या प्रोनाउंसिएशन हो गई, शन। तो जहाँ भी आपका ये शन लग गया मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया, वो क्या हो गया, नाउन। हाँ, जहाँ भी टी आई ओ एन लग जाएगा वो नाउन हो जाएगा, और जब भी वर्ब में आई एन जी लग जाएगा, कोई भी वर्ब है जो आपको पता है कि ये वर्ब है, उसमें आई एन जी लग जाएगा तो वो हो जाएगी आपकी नाउन। ठीक, इस तरह से वर्ब और नाउन को पहचानना सीखिए, धीरे धीरे करके आप पहचानने भी लगेंगे। अब आगे का पैरा पढ़ते हैं, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। प्ले अ गेम्स, प्ले खेलो, प्ले मतलब प्ले भी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब प्ले मतलब खेलो, अ गेम, गेम, गेम को आप गेम तो समझ ही रहे होंगे ना, आपका कोई भी गेम, खेलो, सिंग ए सॉन्ग, गेम खेलो, सिंग ए सॉन्ग, गाने गाओ, सॉन्ग मतलब गाना और सिंग मतलब गाना गाना, हाँ गाना, ये सिंग क्या है, आपका वर्ब है, तो गेम खेलो, गाना गाओ, लॉट्स ऑफ फन, ढेर, लॉट्स मतलब ढेर सारा होता है, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबे, ऑल ईयर्स पूरे साल, और मतलब सभी होता है, ऑल मतलब पूरा या सभी, तो पूरे हम कहते हैं ना पूरे साल, लंबे पूरे साल ढेर सारा फन करो, मजाक करो, मज़ा करो, ढेर सारा फन करो, लॉट्स ऑफ फन, ढेर सारा मज़ा करो, बुक्स टू रीड, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, बुक्स किताबें, टू रीड पढ़ना, किताबें पढ़ना, पोएम्स टू से, और क्या है, कविताएं कहना, किताबें पढ़ना, कविताएं कहना, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। जानते बच्चों, जब भी हम बीच में यदि टू रीड वर्ब के आगे टू लग जाता है ना, तो करना, खाना, पीना ऐसे हो जाता है, उड़ना आना करके आने लगता है, तो किताबें पढ़ना और पोएम्स कहना, कविताएं कहना, पोएम्स मतलब कविता और बुक्स मतलब किताब, तो बुक्स पढ़ना और कविताएं कहना, लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग सीखना, न्यू नई थिंग्स चीज़ें, नई थिंग्स नई चीज़ें, एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। ठीक, आप वर्ड मीनिंग अपनी लिख रहे होंगे, मेरे ख्याल से अपनी कॉपी और पेन लेके बैठा करिए और प्रत्येक वर्ड्स की वर्ड मीनिंग लिखा करिए, जब आप वर्ड की वर्ड मीनिंग लिख लेंगे ना, तो आपको पोएम बहुत झट से समझ में आ जाएगी, और प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और एक कविता को एक से दो बार या तीन बार पढ़िए, तो क्या होगा, आपको ये कविता समझ में आने लगेंगी, हाँ, और आपकी ये जो पोएम है आपको समझ में आने लगेगी, और क्या होगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी बनेगी। ठीक, तो बच्चों ये हम चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं, ये चैप्टर तो अभी फिनिश नहीं हुआ, ये वीडियो फिनिश करते हैं, और ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे अगले वीडियो में, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और यदि अभी आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।